बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। I love you, Paul, and please come to the window so I can just see you. लेट हो रहा है, आप लोगों को भी घर पहुंचना है। हाय I manifested to me and my dream comes true. Take a selfie. I can't breathe. अमेरिकन एक्टर जेरेड लेटो को एक फैन अपना कान काट कर पार्सल करता है और नोट में लिखता है आर यू लिसनिंग। करीना कपूर का एक फैन उन्हें बहुत से लव लेटर्स लिखता है और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो एक 40 लाख का डायमंड नेकलेस गिफ्ट में दे देता है। कुछ फैंस हानिया आमिर के घर पहुँचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वो घर पर नहीं है, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेते। हत्ता के पुलिस को बुलाया जाता है जो उन्हें वहाँ से खदेड़ती है। नाउ ये तो जस्ट चंद मिसालें हैं, लेकिन आपको इस तरह की लातादाद एग्जांपल्स मिलेंगी जहां फैंस ने अपनी उस सेलिब्रिटी जिसके बारे में वो ऑब्सेस्ड हैं उनके लिए बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें की हैं। पॉइंट ये है कि व्हाट वुड यू कॉल दिस बिहेवियर, स्टूपिड ना? वेल एक्चुअली यू आर राइट, दे आर अ बंच ऑफ इडियट्स। और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि हंगेरियन एकेडेमिक्स की एक स्टडी ये बताती है जो जर्नल BMC साइकोलॉजी में शाया हुई है। इस स्टडी के मुताबिक जो लोग किसी मशहूर शख्सियत के बारे में जितने ज्यादा जुनून की हद तक जाते हैं वो उतने ही बड़े बेवकूफ होते हैं। इस स्टडी में हंगरी के 1763 बालिग अफराद को चंद कॉग्निटिव टेस्ट दिए गए जिनमें उनकी जहानत को परखा गया। इसके बाद उन्हें एक सेलिब्रिटी एटीट्यूड स्केल मुकम्मल करने के लिए कहा गया। इसका मकसद उन पार्टिसिपेंट्स के सेलिब्रिटीज के लिए लेवल ऑफ ऑब्सेशन को चेक करना था। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स या सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना था। मसलन मुझे और मेरे दोस्तों को डिस्कस करना अच्छा लगता है कि मेरे फेवरेट सेलिब्रिटी ने क्या क्या किया। मुझे उसकी जिंदगी की तफसीलात जानने का जुनून है। मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ कि मुझे उसकी पर्सनल हैबिट्स को सीखना चाहिए। मुझे अक्सर उसके ख्यालात आते हैं। अगर मैं इतना खुश नसीब हुआ कि अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलूं और वो मुझे फेवर के तौर पर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कहे तो मैं वो कर जाऊंगा। इस स्टडी के नतीजे हमें बताते हैं कि एक मशहूर शख्सियत को जुनून की हद तक चाहने और जहानत के इम्तिहानात में खराब कारकर्दगी के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है, अ डायरेक्ट एसोसिएशन। जिस पार्टिसिपेंट ने सेलिब्रिटी एटीट्यूड स्केल में जितने ज्यादा नंबर लिए उसने कॉग्निटिव टेस्ट में उतने ही कम नंबर हासिल किए। इस स्टडी के मुहक्किकीन ने इस डायरेक्ट एसोसिएशन का तो पता लगा लिया, लेकिन वो ये डिटरमिन नहीं कर सके कि जिन लोगों ने जहानत के टेस्ट में खराब कारकर्दगी दिखाई उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अपनी ब्रेन पावर उस मशहूर शख्सियत के मुतल्लिक सोचने में लगाई, या फिर ये पार्टिसिपेंट्स उस हॉलीवुड या बॉलीवुड गॉसिप में इतने महू इसीलिए थे कि ये लोग पहले से ही जरा कम इंटेलिजेंट थे। दूसरे लफ्जों में ये अभी तक वाजे नहीं है कि सेलिब्रिटी ऑब्सेशन कॉग्निटिव टेस्ट में खराब कारकर्दगी का सबब है या एक नतीजा। इसे जानने के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। मुहक्किकीन का कहना है कि हमारी ये रिसर्च बहुत से लोगों को बुरी लगेगी और वो ऑफेंडेड महसूस करेंगे, लेकिन इसमें दानिशमंदी का काम यह होगा कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में जो भी जज्बात या फीलिंग्स रखते हैं उन्हें अच्छे से मॉनिटर करें और ये जानने की कोशिश करें कि कहीं ये चीज आपके रोजमर्रा के ऐसे काम जो तवज्जो तलब होते हैं या जिनमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है उनमें खराबी का बायस तो नहीं बन रही। और इस स्टडी को आपके साथ शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप इसके बारे में सोचें और अपनी अटेंशन या फोकस को वहां लगाएं जहां उसकी जरूरत है। पे अटेंशन एंड डोंट बी एन इडियट। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।